हाथरस कांड की सुनवाई 27 जनवरी को हाई कोर्ट में होगी और पीड़ित परिवार हाई कोर्ट जाकर अपनी बात रखेगा और इस कांड से जुड़ी हर बात बताएगा। वहीं आज भी पीड़िता के पिता को इस बात का दुख है कि वे अपनी बेटी को दफनाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी अविवाहित थी, इसलिए वो अपनी बेटी को दफनाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, वो भी जबरदस्ती, और इस बात को लेकर उनका पूरा परिवार दुखी है। गौरतलब है कि 18 दिसंबर को सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट में चारों आरोपियों पर गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपियों के वकील मुन्ना सिंह पुंडीर का कहना है कि सीबीआई ने चारों आरोपियों यानी संदीप, लवकुश, रवि और रामू पर रेप और हत्या का आरोप लगाया है और साथ ही SC/ST एक्ट भी लगाया है। दरअसल सीबीआई ने पीड़िता के आखिरी बयान को ही चार्जशीट का आधार बनाया है। वहीं पीड़िता के पिता ने स्पष्ट किया कि परिवार का सदस्य जरूर 27 तारीख को हाई कोर्ट जाएगा और अपने वकील के जरिए अपना पक्ष रखेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस की भी पोल खोलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।